तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। जी हां दोस्तों, मार्केट के अंदर फिर से एक बहुत ही तगड़ा सा पंप ले लिया है। जी हां दोस्तों, सभी का सभी क्वाइन यहां पर ग्रीन जोन में जा चुका है और हमारा बेबी डॉज क्वाइन भी 13.52% का यहाँ पर प्रॉफिट दे चुका है विद इन 24 आवर्स। जी हां दोस्तों, और अब जो है र्यूमर आने रहा कि भैया इस महीने के एंड में बाइनेंस लिस्टिंग हो जानी है। डेट भी कन्फर्म आने लगा कि भैया इस डेट को बाइनेंस लिस्टिंग हो जानी है। किसमें कितनी इसमें सच्चाई है, क्या ये कंफर्मेशन है, क्योंकि भैया 50 क्वार्टरली टोकन भी बर्न होने हैं। क्या रियली में बाइनेंस इसको लिस्ट करने वाला, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इस खुशखबरी के साथ। वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो भैया इस महीने जो है एक सबसे अमेजिंग चीज़ हुआ कि भैया CMC यानी क्वाइन मार्केट कैप ने वेरीफाई कर दिया है और अभी आप देख सकते हो भैया 12.73 बिलियन मार्केट कैप हो चुका है, जो कि काफ़ी अमेजिंग और ये दिनों दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। रिसेंट में 10 बिलियन ही था और अभी जो है 12 बिलियन से भी ज़्यादा का यहाँ पर टोटल मार्केट कैप हो चुका है। 233वां यहाँ पर रैंक आ चुका है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अमेजिंग लग रहा है जब यहाँ पर जो सब कुछ वेरीफाई हो गया दोस्तों। देन सीधा चलते हैं अपडेट की तरफ दोस्तों। ये हमारा ट्विटर हैंडल है, मेक श्योर इसको फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेट को कवर करेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हो भैया 8.8 क्वाट्रिलियन टोकन बर्न हुए। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट ये अपने पूरा सप्लाई का 46.677% यहाँ पर टोकन को बर्न कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो बड़ी बर्निंग यानी 50 क्वाट्रिलियन की बर्निंग बची हुई है, जो कि इस मंथ के एंड में 28 से 29 तारीख को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टॉप मीम टोकन बाय सोशल एक्टिविटी के अंदर मैं बात करूँ तो डॉज क्वाइन शिवा इनू के बाद हमारा बेबी डॉज क्वाइन का नंबर है और ये भैया मीम का राजाओं के साथ यहाँ पर अपना जो है दबदबा बना रखा है। इसके साथ साथ टॉप सर्चेस क्वाइन ऑन क्वाइनएक्स, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला क्वाइन के अंदर नंबर 1 पे हमारा बेबी डॉज क्वाइन है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन डॉज क्वाइन ये सारा का सारा बड़े बड़े क्वाइंस को पछाड़ रखा है और वो सब हमारे बेबी डॉज क्वाइन के नीचे है। जी हाँ दोस्तों, बेबी डॉज विल डेफिनेटली बी लिस्टेड इन ऑल एक्सचेंजेस इन 2022। तो भैया ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि भैया इस साल के एंड में ही बाइनेंस, कुकॉइन, रॉबिनहुड, क्वाइन बेस, वजीर एक्स जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जो है एक्सचेंजेस पे हमारा बेबी डॉज क्वाइन लिस्ट हो जाए, ये थोड़ा सा कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अब जो मार्केट के अंदर जिस तरह का सिचुएशन माहौल आया है, जिस तरह से यहाँ पर पंप होने लगा ना, लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड हो गए हैं और अब जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट में बोलते हुए जा रहे हैं कि भैया यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है। और भैया यहाँ पर एक भाई ने यहाँ पर ये भी ट्वीट किया है, बेबी डॉज विल प्रोबेबली बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस ऑन June 30, ऑल स्टेप आर अवेलेबल फॉर लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। जहाँ दोस्तों 30 जून को यहाँ पर डेट भी कन्फर्म कर दिया है कि भैया बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। डिपेंड मार्केट सिचुएशन, हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि सीजेड ने ऑलरेडी बता रखा है कि जिस क्वाइन को पब्लिक सपोर्ट करेगा, जिस क्वाइन को लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, जिस क्वाइन के अंदर होल्डर्स होगा, हाइप होगा, हम उसको बाइनेंस के ऊपर लेके आएंगे। और भैया बेबी डॉज क्वाइन के अंदर ये सारी गुण है, बस एक ही चीज़ यहाँ पर जो दिक्कत दे रहा है इसका, बहुत ही ज़्यादा सप्लाई। जैसे ही दोस्तों मुझे लगता है कि सप्लाई कम हो जाएगा, हालांकि 50 क्वार्टिलियन होने वाली बर्निंग, इसी वजह से लोग का अनुमान है कि 50 क्वार्टिलियन बर्निंग होने के बाद मे भी बाइनेंस यहाँ पर लिस्ट कर सकता है। ये भी देखने वाली बात है क्या ये हो सकता है या नहीं। अगर होगा तो डेफिनेटली दोस्तों 1 से 2 जीरो आपको ईजिली किल होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझो दोस्तों। बाइनेंस जैसे ही लिस्ट करेगा, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो है धड़ाधड़ यहाँ पर लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, जैसे हमारे शिवा इनू के साथ हुआ था। जैसे ही बाइनेंस लिस्ट किया था, जैसे ही बाइनेंस का अनाउंसमेंट आया था, काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज लाइक दैट FTX, Crypto.com जैसे एक्सचेंजेस ने, वजीर एक्स जैसे एक्सचेंजेस ने भी तुरंत ही यहाँ पर 2 से 4 दिन विद इन अ वीक के अंदर शिवा इनू कॉइन को लिस्ट कर दिया था और काफ़ी सारे जीरो भी किल हुआ था। तो हो सकता है ऐसा चीज़ हमारे बेबी डॉज कॉइन के साथ भी हो, तो ये तो देखने वाली बात है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और ये कब तक। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक तो कम से कम बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है अगर इसी रफ्तार से अगर इसकी जो है बर्निंग चलती रही तो। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपका क्या मानना है इस पर, क्या सोचना, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी ऐसे मेरी वीडियो के लिए हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूरी है फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्रिप्टो फैमिली के साथ प्रॉफिट बनाते रहें। जय हिंद।